हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इन जिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम देखने वाले हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो खास तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ओके, इसमें क्या देखा गया है कि फ्लूइड या फिर डेड वाइट ब्लड सेल्स जो है वो लंग्स या फिर अल्वियोले में स्टोर होते हैं। ओके, तो उसका टारगेट ऑर्गन रहेगा लंग्स न्यूमोनिया का। तो आपको यहाँ पर मैंने जो फिगर बताई है उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डेड वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पर जाने चाहिए आपको पता होना चाहिए। डेड वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मैक्रोफेजिस के पास जाने चाहिए, लेकिन मैक्रोफेज के पास नहीं जाते और कहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो लंग्स में स्टोर होते हैं। ओके, और कोई भी ब्लड या फिर वाटर जो है वो भी स्टोर होने लगता है अल्वियोली में, तो उसे हम कहा जाता है न्यूमोनिया। ओके, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि न्यूमोनिया जो है वो किस में हो सकता है। तो ख़ास तौर पर चाइल्ड, सीनियर सिटीजन्स और एड्स के पेशेंट्स पर ख़ास तौर पर ये न्यूमोनिया जो है वो अटैक करेगा। ओके, एंड आफ्टर हम देखें उसके सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ अ न्यूमोनिया, द फर्स्ट वन इज़ दैट फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक एंड द सीवियर। इन द सीवियर केस द लिप्स और नेल्स बिकम्स ब्लूइश इन कलर एंड चेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें भी ब्लू कलर के ब्लूइश हो जाएगा। ओके, और न्यूमोनिया के लिए मेडिकल साइंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने न्यूमोकोकल वैक्सीन वो जो है वो लॉन्च की है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन से हम न्यूमोनिया पर जीत पा सकते हैं। ओके, तो हमने आज देखा न्यूमोनिया के बारे में। ओके, अब आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस के बारे में। ओके।